आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन इशू है. और क्या इशू है जी? व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स, जिनको हम उर्दू में कहते हैं कील मुहासे. हम दानों की पिंपल्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स की, यानी कि कील मुहासे जिनको उर्दू में कहा जाता है. सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इनकी निशानी क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि आप सफ़र कर रहे हैं व्हाइट हेड्स से और ब्लैक हेड्स से. ठीक है, जो व्हाइट हेड्स होते हैं वो क्लोज्ड कॉमेडोन्स होते हैं, उनका मुंह जो है वो ऊपर से बंद होता है और वो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक वाइट कलर का चीजी सा मटेरियल होता है जो कि बेसिकली सीबम होता है या सेबेशियस ग्लैंड्स की सिक्रीशन होती हैं. और इसका मुंह ऊपर से बंद होता है और चीजी वाइट कलर जो है वो आपको नज़र आएगा. ठीक है, और जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो बेसिकली ओपन कॉमेडोन्स होते हैं, उनका मुंह ऊपर से ओपन होगा और उसमें आपको एक ब्लैक कलर नज़र आ रहा होता है. वो किस वजह से होता है? वो कैरेटिन का प्लग होता है, यानी कि उसमें कैरेटिन होती है और उसके साथ डर्ट और डस्ट वगैरह भी हो सकती है. ठीक है, तो ये दो तरह के जो है वो क्या कहते हैं, कॉमेडोन्स होते हैं, जिनको हम व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स कहते हैं. अब आ जाता है कि ये बनते क्यों हैं, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं होगा कि ये चीज़ बनेगी कैसे या बन क्यों रही है, तो हम उसे कवर अप कैसे करेंगे और उसे ठीक कैसे रखेंगे. तो ये बनते क्यों हैं? ऐसा होता है कि जब सेबेशियस ग्लैंड्स जो हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं या ज़्यादा काम कर रहे होते हैं तो सीबम थोड़ा ज़्यादा बनेगा. अगर उसके साथ साथ आप पोर्स की सफाई नहीं करेंगे, पोर्स की क्लिंजिंग नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली उसकी वजह से वाइट हेड्स बन सकते हैं. ठीक है जी, और उसी तरह से अगर कैरेटिन और डर्ट और डस्ट जो है वो पोर्स में फंसती चली जाएगी और क्या कहते हैं, हम उसकी क्लिंजिंग नहीं कर रहे प्रॉपरली, उसकी जो है वो डीप क्लिंजिंग नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी वजह से भी ब्लैक हेड्स बनेंगे. तो फिर ये होता है कि जब व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स बन रहे होते हैं तो फिर हमें समझ नहीं आ रही होती है कि हमने करना क्या है. क्या हमारी स्किन ऑयली है या ऑयली रह रही है, इसकी वजह से बन रहे हैं? हमारी स्किन ड्राई है, इसकी वजह से बन रहे हैं? कुछ समझ नहीं आता. समटाइम्स ये होता है कि लोगों की स्किन जो है वो ड्राई होती है, लेकिन वो इनअप्रोप्रिएट यानी कि जो अनसुटेबल मॉइस्चराइजर्स हैं वो लगा रहे होते हैं और क्लिंजिंग नहीं कर रहे होते, तो उनके व्हाइट हेड्स बनना शुरू हो जाते हैं. उसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनकी स्किन ऑयली होती है, सीबम ज़्यादा बनाती है, ऑयली स्किन होती है तो उसके ऊपर सीबम ज़्यादा बन रहा होता है और उसके साथ साथ वो अप्रोप्रिएट तरीके से या सूटेबल तरीके से अपनी स्किन की जो है वो क्लिंजिंग नहीं कर रहे होते, तो उसकी वजह से जो है वो ब्लैक हेड्स बन रहे होते हैं. अब व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स तो बन रहे होते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही होती है कि हम कहाँ गलत हैं. क्या हमारा कोई प्रोडक्ट गलत है? क्या हमारी रूटीन में कोई इशू है जिसकी वजह से ये हो रहा है? और इसके अलावा ऐसा क्या रीज़न है कि हमारे फेस के ऊपर व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बन रहे हैं? तो उसका जो एक उसके जो मेन रीजन्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं. अब हम आ जाते हैं कि इसमें क्या चीज़ नहीं करनी. सबसे पहले मैं ये बात करूँगी कि क्या चीज़ हमने नहीं करनी. लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आज की बहुत बड़ी न्यूज़, अ गुड न्यूज़, बल्कि अभी के लिए हैप्पी न्यूज़. और वो ये है कि जिस तरह आप लोग जो है वो हमें यूट्यूब पे ज्वाइन करते जाएंगे और अपने क्वेश्चंस भेजते जाएंगे, तो आज जो है वो हमारा जब सेशन एंड होने वाला होगा तो उससे पहले जो बैलेटिंग चल रही है, आप लोग हमें क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं तो पीछे से हम जो है वो बैलेटिंग कर रहे हैं, तो कोई एक जो है वो लकी बंदा होगा जिसको आज ही जो है वो हम अनाउंस करेंगे कि वो हमारा गिफ्ट हैम्पर जीता है. लेकिन उसके लिए आपको हमारे लाइव सेशन में आना पड़ेगा और कमेंट्स करने पड़ेंगे. ठीक है, वही जो आप कमेंट्स भेज रहे होंगे हमें ज्वाइन करने के बाद, उसी में से हम बैलेटिंग करके और एट द एंड ऑफ द सेशन जो है वो हम एक लकी विनर जो है उसको अनाउंस करेंगे. तो जल्दी जल्दी सबको बता दें, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो भी फैमिली है, उन सबको बता दें कि वो ज्वाइन कर लें और देखते हैं कि बाय द एंड ऑफ सेशन कौन लकी विनर रहेगा. ठीक है जी, अब मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स अगर आपकी स्किन पे बन रहे हैं तो आपने नहीं करनी. जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने क्या नहीं करना, क्या अवॉइड करना है. आपने जी दो चीज़ें अवॉइड करनी है. एक तो अपने हाथों से प्रेस करके व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को आपने बिल्कुल निकालने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि उससे सिर्फ और सिर्फ आपका इन्फेक्शन बनेगा. इन्फेक्शन क्या कहते हैं, इन्फेक्टिव हो जाएगी आपकी स्किन, उसके ऊपर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, इवन पिंपल्स भी बन सकते हैं. उसके अलावा व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स तो जाएंगे ही नहीं,
वो भी बनते रहेंगे। तो अपनी स्किन को ख़राब ना करें, अपनी स्किन को गंदा ना करें, और ऐसा कुछ भी आपने नहीं करना, क्योंकि आप जितना प्रेस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी स्किन जो है वो ख़राब होगी, इरिटेट होगी, इवन आपकी स्किन पे निशान भी पड़ सकते हैं। लोग तो नीडल्स ले लेके, जी हमने नीडल को अल्कोहल स्वैप से साफ करके और नीडल से हमने निकालना शुरू कर दिया, आप सोचें उससे क्या होगा, उससे बहुत बुरा होगा, वो सब ना करें। उसके बाद आ जाता है कि अपनी स्किन को खींचे नहीं। बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं और स्किन के ऊपर किए जा रहे होते हैं, उससे स्किन के ऊपर वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बल्कि और ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। वो क्या होता है, पोर्स जो आपका सेबेशियस ग्लैंड है ना, वो आपके सेबेशियस ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाते हैं और उससे फिर ये और भी ज़्यादा बनते हैं। वो क्या है, जी हाँ, जितने भी पुलिंग, हेयर को पुल करने वाले मेथड्स होते हैं, कन्वेंशनल मेथड्स, जैसे क्या कहते हैं, वैक्सिंग है, थ्रेडिंग है, या फिर ट्वीज़र से आप ऐसे निकालते हैं बालों को, इन सब से जो है वो क्या होगा, इन सब से जो है वो आपके सेबेशियस ग्लैंड स्टिमुलेट हो सकते हैं और उसकी वजह से आपको वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बनना ज़्यादा हो सकते हैं। एक और काम जो आपने बिल्कुल नहीं करना वो क्या है, वो है जी स्टीम ले ली, और स्टीम लेने के बाद सारे के सारे पोर्स खुल गए, उसके बाद दबा दबा के अपनी तरफ से आपने वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स निकाल लिए, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये होता है कि आपके पोर्स जो हैं वो खुले रह जाते हैं, और जब वो खुले रह जाते हैं तो उसके अंदर फिर दोबारा सीबम बनेगा और वाइट हेड बन जाएगा, और उसके अंदर कैरेटिन प्लाक बनेगा, डर्ट फंसेगी, और फिर दोबारा से जो है वो ब्लैक हेड बन जाएगा। तो ये उसका तरीका नहीं है, ये उसका सोल्यूशन नहीं है कि आप जो है वो स्टीम दे के सारे के सारे पोर्स खोल लें और आपको लगे कि अभी तो मैंने दबा के सफाई कर ली है, और उसके थोड़े देर के बाद आप देखें, थोड़े दिनों में देखें तो वो फिर दोबारा आपके उतने ही वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स आ जाएंगे। एक और चीज़ जो आपने बिल्कुल नहीं करनी है, इसमें मैं दो तीन चीज़ों की जो होम रेमेडीज़ में यूज़ होती हैं उनका नाम लेने लगी हूँ। ये चीज़ें होम रेमेडीज़ हैं और लोग बड़े कंसिस्टेंटली और बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, बट इट्स वेरी डेंजरस फॉर द स्किन। एक तो स्किन के ऊपर लेमन यूज़ करना, फिर स्किन के ऊपर डायरेक्टली लेमन यूज़ करना, या डायरेक्टली एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करना, और या फिर स्किन के ऊपर डायरेक्टली बेकिंग सोडा यूज़ करना, ठीक है। प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करें। अब मैंने आपको अवॉइड करने वाले पॉइंट्स बता दिए, अब हम आ जाते हैं कि हम अपनी रूटीन में ऐसा क्या करें जिसकी वजह से वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बनना बंद हो जाए, हमारे कंट्रोल में आ जाए। जी वो क्या क्या है, सबसे पहले तो ये है कि अपनी स्किन की सफाई का ख्याल रखना, यानी कि स्किन को वॉश करना, खाली वॉश नहीं करना, सूटेबल फेस वॉश से वॉश करना, या सूटेबल चीज़ से वॉश करना जो कि आपकी स्किन टाइप के हिसाब से हो, वो बहुत ज़रूरी है, खाली वॉश करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्लिंजिंग करना। क्लिंजिंग क्या होता है, क्लिंजिंग जो है वो आपके पोर्स की डीप क्लिंजिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो क्लिंजर्स होते हैं, और जो क्लिंजिंग बाम्स होती हैं, क्लिंजिंग जेल्स होते हैं, क्लिंजिंग पेस्ट होती हैं, ठीक है। क्लिंजिंग करना स्किन के ऊपर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप क्लिंजिंग करेंगे तो आपके पोर्स जो हैं वो डीपली साफ़ हो जाएंगे। जब वो साफ़ हो जाएंगे या साफ रहेंगे तो मैंने आपको बता दिया है कि ना वाइट हेड्स बन सकेंगे, क्योंकि सीबम एक्यूमुलेट ही नहीं हो सकेगा, और ना ही कैरेटिन प्लग्स बनेंगे, और उसकी वजह से ब्लैक हेड्स भी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो क्लिंजिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर आ जाते हैं एक्सफोलिएट करना। एक्सफोलिएशन क्यों ज़रूरी है, एक्सफोलिएशन इसलिए ज़रूरी है कि वो डेड सेल्स को उतारती है, डेड सेल्स को हटाती है, तो उसकी वजह से सफाई करना आसान हो जाएगा, उसकी वजह से आपका जो भी रिजल्ट है आपकी क्लिंजिंग का या आपके वॉश का, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, और आप देखेंगे कि आपकी स्किन के ऊपर अब जो भी आपकी रिजीम है, जो भी आपकी स्किन रूटीन है, वो ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, और आपकी स्किन जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स देना शुरू कर देगी। उसके बाद हम आ जाते हैं कि सूटेबल मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करना, या जो डेली के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपके मॉइस्चराइजर्स आते हैं, आपका मेकअप आता है, आपका सनब्लॉक आता है, ये सारे आपके डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स हैं। अगर ये सूटेबल नहीं होंगे स्किन के लिए तो भी वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स ज़्यादा बनेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है कि आपने मेकअप या कोई भी प्रोडक्ट जो यूज़ करना है वो कैसा लें, वो जी आप लेंगे ऑयल फ्री, ठीक है। जितने भी आपके मेकअप प्रोडक्ट्स हों या दूसरे जो है वो डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स होने चाहिए, वो सब आपके ऑयल फ्री होने चाहिए, ताकि पोर्स क्लॉग ना हो, वो ऑयली प्रोडक्ट जो है वो आपके पोर्स के अंदर फंस ना जाए और फिर आपको वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स ना बने। इसके अलावा क्या आ जाता है, जी हाँ,
आपने अगर मेकअप करना है और आप ब्रशेस इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़ अपने स्पॉन्जेस, ब्यूटी ब्लेंडर्स और अपने ब्रशेस को वॉश करें। अगर आप गंदे यूज़ करेंगे या गंदे यूज़ करते रहेंगे, उनकी पूर हाइजीन होगी तो डेफिनेटली वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बनने का चांस ज़्यादा होगा। उसके बाद आ जाता है जी कि आपके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि जार्स में होते हैं, टब्स में होते हैं, जिसमें आप फिंगर डाल के उसको निकालते हैं और लगाते हैं। ऐसे जो पैकिंग्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कंटेमिनेशन का, कि आपके हाथ गंदे थे, आपके फिंगर पे कोई और प्रोडक्ट लगा हुआ था, आपने उसको अंदर डाला, उस टब में डाला और उस जार में डाला और उसके बाद आपने उसको यूज़ किया, तो वो जो कंटेमिनेशन होती है वो बहुत इजीली हो जाती है जार्स में, टब्स में, इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स में। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसे नीट एंड क्लीन रखें। उसका क्या तरीका होता है, लगाने से पहले अपने हैंड्स को अच्छी तरह साफ़ कर लें, एक प्रोडक्ट वाली फिंगर जो है वो दूसरे प्रोडक्ट के अंदर ना डालें ताकि उसमें कोई चेंज ना आ जाए और कंटेमिनेशन ना हो, कुछ मिक्स ना हो जाए और वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि आपके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली स्किन के ऊपर लगते हैं, टच करते हैं, उनको आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। इसमें आपके ब्यूटी ब्लेंडर्स आते हैं, आपके स्पॉन्जेस आते हैं, आपके ब्रशेस आते हैं, ये सब चीज़ें, ऐसे ब्रश वाली चीज़ें भी होती हैं, जैसे आपका लिप कलर है ब्रश वाला, वो आपने यूज़ कर लिया है तो साथ दूसरे को भी दे दिया है, वो शेयर कर रहा है, या आपने किसी का लेके शेयर किया है। टिंट होते हैं जिनके आगे ब्रशेस लगे हुए होते हैं, वो आप भी यूज़ कर रही हैं, कोई और भी यूज़ कर रहा है, शेयर कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो कंटेमिनेशन का चांस बहुत हाई होता है और उसकी वजह से आपकी स्किन ख़राब हो सकती है। उसके बाद आ जाता है कि बालों को पीछे करके रखें। जी, ये भी एक बात है, बाल जो हैं अगर हर वक्त आपके यहाँ तक पड़े रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन है उसके ऊपर इरिटेशन होगी और उसकी वजह से भी आपकी स्किन जो है वो ख़राब हो सकती है। फिर हम आ जाते हैं कि आपने अपने स्कैल्प को वॉश करके रखना है। अगर आपका स्कैल्प ऑयली होगा या ऑयली रह जाएगा तो आप देखेंगे कि फेस के पोर्स भी क्लॉग हो जाया करेंगे। स्कैल्प के ऑयल की बात कर रही हूँ, सर के ऊपर जो ऑयल आ जाता है या ऑयली स्कैल्प होता है, अगर आप उसको साफ़ नहीं रखेंगे तो आपके फेस के पोर्स भी क्लॉग होंगे और आपको वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स ज़्यादा बनेंगे, ठीक है जी। अब लास्ट में क्या आ जाता है कि आपने अपने पिलो कवर्स, यानी कि जो क्या कहते हैं, तकियों के गलाफ होते हैं, तकियों के जो कवर होते हैं, उनको साफ़ रखना है, क्योंकि उसी के ऊपर आप सोते हैं, उसी के ऊपर आपका फेस जो है वो टच करता है। और पता ये चलता है कि वो क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्श कपड़े के थे, या फिर ये जैसे बहुत सख्त कॉटन होती है इस किस्म के, या फिर आप जो उसके अलावा जो है वो साफ़ नहीं होंगे, तो फिर भी वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बनने का चांस जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है जी। तो ये थी हमारी टू डू लिस्ट, यानी कि आपने कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आप अवॉइड करेंगे, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ताकि आपकी स्किन पे वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स ना बन सके।